सिंगड़ा थाना क्षेत्र के पॉश कॉलोनी गांधीनगर में शुक्रवार को दिन दहाड़े लाखों रुपए गहने चोरों ने उड़ा दिए। चोरी घटना शास्त्री गायिका सुचारिता गुप्ता के घर पर हुई। यहां से चोरों ने करीब 40 लाख रुपए की कीमती गहनों पर हाथ साफ किया। वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस को जैसे ही सूचना मिली पूरे महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में सिंगड़ा थाना क्षेत्र की पुलिस टीम और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। गांधीनगर स्थित सुचारिता गुप्ता के घर पर सिंगड़ा थाना क्षेत्र की पुलिस टीम और फॉरेंसिक टीम के साथ डॉग स्क्वाड की टीम चोरी घटना की जांच में जुट गई। दिन दहाड़े हुए चोरी को लेकर सुचारिता गुप्ता ने बताया कि शुक्रवार की सुबह करीब 10 बजे वह और उनके परिजन घर से निकले थे। करीब 2:30 बजे उनका ड्राइवर घर पर आया तो देखा कि घर के बाहर से कुंडी लगा हुआ है। इसके बाद ड्राइवर ने फ़ोन किया तो घर पर हम लोगों ने पहुंचकर देखा कि लाइट और पंखे चल रहे हैं। कमरे के अंदर जाकर देखा तो कमरे के अंदर सारा सामान बिखरा था तथा अलमारी में रखे उनके सभी गहने गायब थे। गहनों में सोने और डायमंड के सेट और चांदी के डिनर सेट गायब थे। सुचारिता गुप्ता की माने तो करीब 40 लाख रुपए के गहने चोरों ने चोरी किए हैं। उन्होंने बताया कि घर में केवल वह और उनके पति रहते हैं। उन्होंने अंदेशा जताया कि यह घटना करीब सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच हुआ होगा। वहीं मौके पर मौजूद पुलिस की टीम फ्लैट के नीचे लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालने में जुटी हुई है। थाना प्रभारी राजू सिंह ने बताया कि घटना की जाँच की जा रही है और जल्द ही चोर पकड़ा जाएगा। इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अब पता चलेगा, क्योंकि गहना का बक्सा उक्सा तो सब खुला हुआ है। हमको लग रहा है कि फिर हमारे करीब गोल्ड का करीब 3-4 चेन था और 2 नेकलेस था और डायमंड का पूरा सेट था और क्या चांदी का डिनर सेट था। उसमें से डिनर सेट में से खाली एक जग हमको दिख रहा है ऊपर से, और तो कुछ नहीं दिख रहा है। कितना 40-50 लाख हुआ, 40 लाख तो होगा ही। इसके आस पास अभी हमें स्मिथ स्कूल में गई थी। और कौन कौन था? बस हमारा मेरे हस्बैंड, बच्चे की तो शादी हो गई है। घटना मतलब क्या लगता है, किस समय हुआ होगा? घटना हुआ है वही 11 से 2 बजे के बीच में ही हुआ होगा। किस तरह से हुआ, मतलब ताला तोड़ हुआ है? ताला, हाँ ताला तो ताला नामो निशान नहीं है, ताला लेके ही चला गया।